मेरा सपना था इन्नू वाला। थैंक्स टू सोशल मीडिया। ओ बेटा, मम्मी का स्टार। अब कुछ इसके कंट्रोलर्स बोलेंगे आपको प्लेट में देना चाहिए था, चिड़िया ऐसे नहीं खा सकते। यार मेरा सपना था इन्नू वाली चिड़िया मेरे बालकनी में आए, और वो आज आई थी और शायद खाना वाना ढूंढ कर गई, कुछ था नहीं। मैं डालती हूँ लेकिन अभी अभी आई हूँ, तो उनका वो बर्तन होता है ना, वो नारियल का वो जो छिलका, उसमें मैं पानी और उनके लिए चावल डालती हूँ। पर मैंने देखा है यार, बड़े बदतमीज़ होते हैं। जैसे हम लोग बचपन में होते थे ना, कुछ रखा रहेगा उसमें चुंगी नहीं मारते, बिखरा रहता है उस पर चुंगी चुंगी मारते रहते हैं। मैंने बिखेर दिया है, देखो आते हैं यानी। हट जाती हूँ, फिर आएंगे वो। मुंबई की बारिश में कपड़े नहीं सूख रहे, जहाँ देखो कपड़े सूख रहे हैं। ये देख रहे हो मेरी मेड ने कहाँ डाला है? क्या हुआ? कल मैंने सिनेमैटिक व्यू के लिए और अपना वो वाला टी शर्ट जो वीडियो में गया है वो मैंने यहाँ टांगा था, और नेचुरली वो बहुत ही पिटारे से निकाला, तो उसको हवा लगाना था, सुखाने के लिए नहीं डाला था, शूट के लिए और हवा लगाने के लिए डाला। उसको ना लाइसेंस मिल गया है कि अब एक कपड़ा यहाँ भी सूखेगा, और वो यहाँ डाल दे रही है यार हॉल में। गलत बात है यार। चलो मिलती हूँ। अयो अयो रामा, हो गया हंगामा। क्या हुआ यार? यार बंद करो यार। चलाओ तो हम रोटी बना लेंगे। तुमको हम क्यों हटाए पता है? क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो देख के तुम डर जाती। तुमको बता दिया ना, अब पता है तुम क्या बोलोगी? आज कुछ तो अलग है, क्योंकि तुम इसमें कुछ अलग डाली है।
करो आज, ठीक है? तो अब तुम पीछे से पानी ला कर दो। मम्मी उल्टा काम है, असिस्टेंट हमको बनना चाहिए ना। माँ थोड़ा हल्दी ज्यादा हो गया है ना। ठीक तो है। धन्यवाद असिस्टेंट। मम्मी कितना मजा आएगा ना हम कुछ काम करें और तुम मेरी असिस्टेंट रहो। देखिए वो CID वगैरह। अच्छा मेरा नामकरण करो। मम्मी तो मेरा नाम रखो मम्मी। वैसे भी पांडे अंकल हमारा नाम रखे थे, अनिल भैया रखे थे, पर हम जो रखे हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं है। रतन राजपूत। माँ पीछे है और माँ ऐसे इंग्लिश करी है, ये हम यहाँ छोड़ दियो तो चल जाते हो। मतलब कुछ कुछ सामान भी खेरी हुई है, बढ़िया, यहाँ छोड़ दूंगी तो चलेगा, शूट में दिख जाएगा तो। नहीं नहीं चलेगा। हम माँ बेटे मिलकर जो मजा। अच्छा मैं बताती हूँ, ये जो वीडियोस है ना, ये कोई कुकिंग शुकिंग सिखाने का वीडियो नहीं है बाय द वे। मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एक से एक धुरंधर है हमारे फैमिली में। फैमिली मतलब हमारी फैमिली में नहीं, उधर फैमिली में, वाइटी फैमिली में। तो खाना बनाना नहीं सिखा रही हूँ मैं तो सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि भैया हंसते खेलते कैसे खाना बन जाए, ये बड़ी बात है। खाना तो हर घर में बनता है कि नहीं? और मैं आज सोच रही थी, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंसान जो चीज़ अपने घर का सीक्रेट छुपा कर रखता था, रेसिपीज, नहीं कुछ भी तो नहीं डाला है जी, ऐसे टेस्टी बन गया। अब वही लोग आकर जब सोशल मीडिया पे अपने घर के एकदम छोटे छोटे नुस्खे भी शेयर करते हैं ना, इस वजह से बिहारी के घर में महाराष्ट्र में खाना बन जाता है, महाराष्ट्र के घर में भैया गुजराती खाना बन पा रहा है। ये इंटरेस्टिंग हो गया है। नहीं क्या बंद कर दे कढ़ी, थोड़ा पतला बन गया क्या? अच्छा ये चपाती नहीं, ये मिस्सी रोटी बना रही थी, ये बातों बातों में मैंने कुछ ज्यादा ही बेल दिया और ये बिल भी गया। कोई बात नहीं, ये थोड़ा मोटा है। आप लोगों को किचन में गर्मी लगेगी इसलिए आप लोग टेबल पे वेट करो, मैं आती हूँ बनाती हूँ। और ये जो था वो गर्मी का रिएक्शन था, बहुत गर्मी है, नहीं चल रहा। इतनी बारिश है कि कुछ गीला लगा कि आज सब कुछ सूखा सूखा बनाओ, तो सब्जी किसी का नहीं बनाया, सबका भुजिया बनाया है। बारिश में वैसे भी सूखा लिट्टी विट्टी कितना अच्छा लगता है ना। मैं लिट्टी नहीं लगता है बारिश में। अच्छा बनाएंगे, कल बनाते हैं। ये असल बारिश का था भी मम्मी, सब कुछ सूखा सूखा बस यही लगता है। बारिश में मैं कहाँ जा रही हूँ यार, माँ का फोन नहीं चल रहा, तो यहाँ पास में जरा दिखा दो क्यों नहीं चल रहा है, चार्जर में प्रॉब्लम है। पहली बार लग रहा है, मैं बारिश से बचना चाह रही हूँ वरना भीगने का मन करता है। क्यों बचना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है आज भीगी तो सूखने नहीं है। मुंबई में सूखने का ना कुछ जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ वॉशिंग मशीन से। गेस करो क्या है, गेस करो क्या है। पाव भाजी खाने का मन है मम्मी, हम बना देंगे तुम्हारे लिए। अच्छा बड़ा पाव।
अच्छा वड़ा पाव नहीं लाए हम, हमको लगा तुमको क्या पसंद है वड़ा पाव। बारिश के मौसम में माँ के लिए आया है जी जलेबी समोसा। जलेबी समोसा, बाप रे बाप। फिर मम्मी क्या करने का, स्टाइल मारने का। ओ बेटा मम्मी का स्टाइल, मैं तो मजा आ गया। मम्मी को जैसे बना, मम्मी 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 स्टाइल मारने का, मम्मी क्या क्यों रौनक आ जाता है ना घर में कोई आए तो, और मेरी कूल माँ आ जाए तो थोड़ा और रौनक आ जाता है। मॉम का चार्जर लेकर आ गई हूँ और हम लोग जाएंगे टीवी देखने। एक जलेबी खा ही ले गया मम्मी, नहीं बड़ा वाला नहीं। नहीं समोसा नहीं मम्मी, मर जाएंगे, ये भी पूरा नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे लिए ला है जो तुमको मन करे। मम्मी पूछ रही है पहले समोसा खाए या पहले जलेबी। देखते देखते दिन खत्म, देखते देखते नहीं काफी कुछ रहा दिन में, लेकिन जो काफी कुछ होता है वो हर कुछ दिखाने जैसा नहीं होता, वो बहुत कुछ अपने लिए होता है। कहते ना जब गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट के लिए जीते हैं, पर बाकी टाइम तो अपने लिए। सो वैसे ही कैमरा जब होता है तो आपके लिए, लोगों के लिए, सबके लिए जीते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो रियल मायने में अपने लिए जीते हैं। आज एक और दिन, एक और चैप्टर लाइफ का ख़त्म। मॉम है इसलिए दिन का अलग रूटीन है, लेकिन धीरे धीरे टाइम जा रहा है और माँ के घर वापसी का भी टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, पर नहीं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त है बस। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त मैं माँ को दूँ इसलिए घर से बाहर कहीं नहीं जा रही। वैसे घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है माँ की ज़रूरत मेरी पूरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब माँ को मेरे साथ वक्त बिताना है, इसलिए मैंने और सारे काम को अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है। मैं तो जिम भी नहीं जा रही, शुरू करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा और यादों की दुनिया में घूमने टहलने। कुछ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसी जो हम करते हैं, और अभी मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। हम कल मिलेंगे। हमारा वीडियो लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और हमें पसंद करने के लिए भी थैंक यू सो मच। लव यू। राम राम, जय भारत, शब खैर, गुड नाइट, लव यू अ लॉट अ लॉट।